बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है, ठीक है? तो चलो इस वीडियो को लास्ट तक देखना, स्टार्ट करते हैं, ठीक है? लिखते हैं ब्रैड्स रूल। ब्रैड्स रूल ब्रैड्स रूल देखो, ब्रैड्स रूल होता क्या है? तो ब्रैड्स रूल पढ़ने से पहले इसके अंदर पढ़ेंगे ब्रिजेट एटम या ब्रिजेट कंपाउंड, ठीक है? तो चलो देखो, सबसे पहले इसमें देखेंगे ब्रिजेट कंपाउंड। ब्रिजेट कंपाउंड ब्रिजेट कंपाउंड देखो, ब्रिजेट कंपाउंड एक्चुअली ब्रिजेट कंपाउंड होते हैं क्या? ब्रिजेट कंपाउंड वैसा कंपाउंड होता है जिसके अंदर क्या होते हैं, ब्रिजेट एटम होते हैं। सपोज यहाँ पे कंपाउंड, सबसे पहला कंपाउंड ऐसा ले लिए, एक कंपाउंड ले लिए, ये भी ब्रिजेट है। देखो यहाँ पे एक कार्बन, और ये कार्बन क्या है, ब्रिजेट कार्बन है। इस कार्बन को बोलते हैं ब्रिजेट कार्बन, शॉर्ट में लिखेंगे BHC, ये होते हैं ब्रिजेट कार्बन। नेक्स्ट कंपाउंड ऐसे ले लिए, ये भी देखो यहाँ पे ब्रिजेट कंपाउंड है, यहाँ भी ये कार्बन ब्रिजेट है और यहाँ भी ये कार्बन ब्रिजेट है। नेक्स्ट कंपाउंड ऐसे ले लिए, तो यहाँ पे चेक करो, एक कार्बन और एक कार्बन क्या है, ब्रिजेट कार्बन है, तो ये भी ब्रिजेट कंपाउंड है। तो इस तरह के कंपाउंड को बोलते हैं ब्रिजेट कंपाउंड। मतलब ब्रैड्स रूल को देखने से पहले सबसे पहले चेक करते हैं ब्रिजेट कंपाउंड को। तो देखो ये जो कंपाउंड गिवन है सबके अंदर ब्रिजेट कार्बन है। अब ब्रैड्स रूल होता क्या है, तो इसका एक छोटा सा स्टेटमेंट है। देखो है क्या, देखो यहां से इसका स्टेटमेंट छोटा सा लिखते हैं, ब्रिज हेड एटम कैनोट बी sp2 हाइब्रिडाइज, कैनोट बी sp2 हाइब्रिडाइज। देखो एक छोटा सा स्टेटमेंट है बट बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब जो ब्रिजेट एटम होते हैं वो sp2 हाइब्रिडाइज नहीं हो सकता। अगर वो sp2 हाइब्रिडाइज होगा तो क्या होगा, ठीक है? जैसे सपोज यहाँ पे कंपाउंड सपोज ऐसे ले लिया, देखो ये कंपाउंड गिवन है यू ऐसे ऐसे ऐसे, यहाँ पे देखो एक कार्बन और एक कार्बन क्या है, ब्रिजेट कार्बन है। अगर इसके ऊपर हम प्लस चार्ज लगा दिए, इस कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा, sp2। तो इस तरह के कंपाउंड नहीं होना चाहिए। ऐसा क्यों क्यों नहीं होना चाहिए वो आगे एक्सप्लेन करेंगे। नेक्स्ट कंपाउंड ऐसा ले लिए, यहां पर ले लिए हम पाई बॉन्ड। तो यहां पे चेक करो, ये ब्रिजेट कार्बन है और ये ब्रिजेट कार्बन है, तो इस कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन में क्या हो जाएगा, sp2। तो ये भी पॉसिबल नहीं होगा। क्यों नहीं होगा वो आगे देखेंगे। तो ब्रैड्स रूल कहता है कि जो ब्रिजेट एटम होता है वो कभी भी sp2 हाइब्रिडाइज नहीं होना चाहिए। अगर वो sp2 हाइब्रिडाइज हो गया वो कंपाउंड होते हैं हाईली अनस्टेबल, होते हैं हाईली अनस्टेबल। जो भी ब्रिजेट एटम होते हैं वो होते हैं हाईली अनस्टेबल, ठीक है? अब इसको एक्सप्लेन करते हैं ऐसा होता क्यों है। तो देखो इसको मैं एक्सप्लेन करते हैं, इसकी एक्सप्लेनेशन गौर से देखना, तक समझना ध्यान से। देखो यहां पे कंपाउंड तो ऐसे ले लिया, पहले ब्रिजेट कंपाउंड ले लिया,
यहां पे एक कार्बन और एक कार्बन है प्रीसेट कार्बन, ठीक है, और यहां पे इसके अंदर भी एक कार्बन। अब यहां से देखो ये जो दिख रहा है ना ये बाईसाइक्लो कंपाउंड है, बट दिखने में ऐसा लगता है कि ट्राई साइक्लो कंपाउंड है, तीन कंपाउंड है। चलो पहले इसमें काउंटिंग करते हैं, ए बी सी, इसको ए दे दिए, ए बी, ए हो गया सी, डी, और यहां पर ले लिए ई, एफ, ठीक है, और इसको हम ले लिए जी। अब यहां से कंपाउंड दिखने में क्या लगता है, यहां पर देखो ये जो है बॉन्ड एक्चुअल में इस कार्बन को कट नहीं करता, यहां पे कोई कार्बन नहीं है, ये ब्रिज है, ऐसे यू ऐसे ब्रिज है, ठीक है, यहाँ पे जो कार्बन है ये जो बॉन्ड है ये ब्रिज है। अब होता है क्या है इसके अंदर, दिखने में लगता है कि यहाँ पे तीन रिंग है बट एक्चुअल में होता है दो ही रिंग। कैसे देखो, एक तो ए, अगर रिंग चेक करेंगे यहाँ पे तो ए, ठीक है, सी, सी, डी, ई, एक तो ए रिंग हो गया पूरा सा, एक इधर से पूरा सा रिंग हो जाएगा, और एक ये जो ब्रिजेड कार्बन है इसको अगर हम मिलाते हैं सी और डी को, दोनों ब्रिजेड एटम को, तो यहाँ पर देखो एक रिंग ये दिखा, डी सी जी, ट्रायंगल दिख रहा है ना, तो यहाँ पे दिखने में लगते हैं यहाँ पे तीन रिंग है बट एक्चुअल में होते हैं दो ही रिंग। अब होता क्या है, ये जो ब्रिजेड कार्बन है इसके ऊपर हम प्लस चार्ज ले लिए, और जैसे इसके ऊपर प्लस चार्ज लेंगे तो प्लस चार्ज लेने से इस कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन sp2 होगा, जब इसकी हाइब्रिडाइजेशन sp2 होगा तो बाउंड एंगल होना चाहिए 120 डिग्री, ठीक है, 120 डिग्री बाउंड एंगल होगा। अब होता क्या है कि जब sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन है तो बाउंड एंगल 120 डिग्री है, बट यहाँ पर देखो एक ट्रायंगल दिख रहा है, इसके बीच का जो बाउंड एंगल रहता है वह 60 डिग्री, यहाँ पे जो इसका बाउंड एंगल है वह है 90 डिग्री, और यहाँ पे जो बाउंड एंगल है वो भी क्या है 90 डिग्री, ठीक है। अब 60 डिग्री होने से क्या हुआ, होना कितना चाहिए 120, बट हुआ कितना 60। अब 60 होने से क्या हुआ कि यहाँ पे इसके अंदर एंगल स्ट्रेन आ गया, क्या आ गया इसके अंदर एंगल स्ट्रेन, इसके अंदर एंगल स्ट्रेन आ गया मतलब इंक्रीज हो गया, ठीक है। जब इसके अंदर एंगल स्ट्रेन आ गया तो एंगल स्ट्रेन आने से जो तीनों रिंग है ना वो डिस्टर्ब होने लगा एंगल स्ट्रेन के कारण, ठीक है, मतलब एंगल स्ट्रेन आने से रिंग क्या हो गया तीनों डिस्टर्ब होने लगा। अब जैसा जितना ज्यादा एंगल स्ट्रेन इंक्रीज हुआ, एंगल स्ट्रेन इंक्रीज होने से इसकी जो स्टेबिलिटी हो जाएगा वो क्या हो जाएगा डिक्रीज, क्योंकि जब एंगल स्ट्रेन बढ़ेगा तो इलेक्ट्रॉन नेगेटिव बढ़ेगा, और जब इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी बढ़ेगा यहाँ पे स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी कैटायन की कम, इसलिए जो इसकी जब एंगल स्ट्रेन इंक्रीज होगा तो स्टेबिलिटी क्या हो जाएगा डिक्रीज। तो यहाँ पे सिर्फ यहाँ पे इस एंगल स्ट्रेन के कारण ही हुआ, क्योंकि होना चाहिए 120 बट हुआ कितना 60 डिग्री। तो यही ब्रैड्स रूल कहता है कि ब्रैड्स रूल के अकॉर्डिंग जो भी sp2 हाइब्रिडाइज एटम होते हैं, जो भी ब्रिजेड कार्बन होगा कभी भी sp2 हाइब्रिडाइज नहीं होना चाहिए, नहीं तो क्या होते हैं हाईली अनस्टेबल, एक कंपाउंड क्या हो जाएगा हाईली अनस्टेबल। ठीक है, तो सिंपल सी बात है कि जो ब्रिजेड एटम होते हैं वो कभी भी sp2 हाइब्रिडाइज नहीं होना चाहिए, अगर वो sp2 हाइब्रिडाइज होगा तो हाईली क्या होते हैं अनस्टेबल। ओके।